इस वक्त की सबसे बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी सामने आई है। योगी आदित्यनाथ की धाकड़ पुलिस गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है। जल्द ही अतीक को यूपी लेकर आया जाएगा। खबर मिल रही है कि अतीक को गाड़ी के रास्ते ही यूपी के प्रयागराज लेकर आया जाएगा। प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ मिलकर इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। आपको बताते चले, ये एक्शन ऐसे वक्त में लिया गया है जब एक दिन पहले ही गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी अचानक से गुजरात की साबरमती जेल पहुंच गए थे। बताया ये भी गया कि हर्ष सांघवी ने अतीक अहमद की बैरक को भी खंगाला, उनके साथ पूरी टीम मौजूद थी और इस दौरान 2 दर्जन से भी ज्यादा मोबाइल फोन्स को जब्त किया गया है। बताते चले, माफिया अतीक अहमद पर यूपी पुलिस का शिकंजा कड़क होता जा रहा है। तभी तो प्रयागराज पुलिस के साथ साथ एसटीएफ भी अतीक और उसके गुर्गों के खिलाफ हर दिन कड़ा एक्शन ले रही है। अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कई बदमाशों की अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। यूपी में पिछले कई दिनों से ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रही है। ये एनकाउंटर योगी के उस भयंकर बयान के बाद से हो रही है जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा। योगी के इन सख्त तेवरों ने अतीक अहमद के मन में खौफ पैदा कर दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट पहले ही पहुंच चुका है। अतीक अहमद याचिका वहां पर लगा चुका है, गुहार लगा रहा है कि जो भी पूछताछ उससे होनी है वो गुजरात में ही कर ली जाए, उसे यूपी लेकर ना जाया जाए। अतीक को डर है कि कहीं उसकी गाड़ी विकास दुबे की तरह ना पलट जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। खैर, अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ, और जल्द ही अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जा सकता है और यहां पर 24 फरवरी को उमेश पाल मर्डर केस के मामले में उससे पूछताछ हो सकती है। आपको बताते चले, 24 फरवरी का वो दिन था जब प्रयागराज की सड़कें गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी थी। उमेश पाल को सरेआम अतीक अहमद के गुर्गों ने गोलियों से भून दिया था, जिसमें अतीक का लड़का असद भी नामजद है, फरार है, उस तक भी पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, इस बीच बड़ी खबर यही कि अतीक अहमद से पूछताछ करने के लिए यूपी पुलिस गुजरात की साबरमती जेल पहुंच चुकी है और अब जल्द ही खबर आ सकती है कि सड़क के रास्ते उसको यूपी लाया जा सकता है। आप बताइए, इस पूरी खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं?